तो आज दिन है संडे का, टाइम कुछ हो रहा है 7:45 हो रहा है, तो अभी हमें सनराइज मिल रहा है देखने को, क्योंकि आगे पहाड़ है और साथ में थोड़ा थोड़ा बारिश भी है। मौसम थोड़ा क्लाउडी हो चुका है, धूप बिल्कुल भी नहीं है, इट्स जस्ट ब्राइटनेस। रास्तों का हाल वही है, बीच में एक अच्छा पैच आया था, उसमें देखे ही होगा। लेफ्ट है कि राइट है? क्यों गए था? हाँ बना था भैया, तो मोबाइल ढूंढ दो। तो हम लोग यहाँ पे रुके चाय पीने के लिए। तो अपना ये ब्रेक खत्म हो गया, चल चले। ओ कुटा। तो ये कुछ नज़ारे था, ये होटल था लेकिन ये बंद है। ऐसे ही हमने थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लिया था। नाउ वी आर लिविंग अहेड। अब आपको दिखेगा कितनी तीखी ढलान है। वाह कैसा लग रहा है आपको ये? आज बारिश थोड़ा ऑन एंड ऑफ चल रहा है, बट पूरा व्यू जो है बहुत प्यारा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है बताओ मुझे। सो गाइज, दिस इज़ वन ऑफ अ प्लेस वेयर वी हैंग आउट। और जो आपने वीडियो के शुरुआत अंडर वाटर शॉट देखा था वो इसी जगह पे लिया हुआ है। एज यू कैन सी दिस वाटर इज़ लिटरली क्लियर एंड ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, वी कैन एक्चुअली हैंग आउट विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो दैट्स द रीज़न वी ऑलवेज यूज टू कम टू दिस प्लेस। ओके देन आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अभी यहाँ पे एक वाटरफॉल स्पॉट किया हम लोगों ने वहाँ पे, तो लेट्स चेक इट आउट, कम। तो दोस्तों हमने गाड़ी तो कर दी है पार्क वहाँ पे और हम वाटरफॉल के बहुत नज़दीक है और आप सुन पा रहे होंगे इसका आवाज़, बहुत ही प्यारा लग रहा है। चलो लेट्स गो चेक आउट। ये रहा वाटरफॉल। इट्स अ रियली स्मॉल वन बट हाँ, ये शुरुआत है तमिनी घाट की और यहाँ से आगे आपको ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे जो छोटे से लेकर बड़े साइजेस में आपको दिखेंगे। और बहुत से वाटरफॉल्स को यहाँ पे लोगों ने नाम दे के रखे हुए हैं लेकिन कैसे आइडेंटिफाई करना है मुझे अभी तक नहीं पता चला है। तो चलो हम आगे चलते हैं अभी। तामिनी अहेड, वी आर एट टू रिच तामिनी, बट आप ये देख सकते हो यहाँ पे आगे राइस फील्ड्स है पूरी और ये जो पूरे पहाड़ है
ये पूरे ग्रीन हो चुके हैं ड्यू टू मानसून। और चको कैसा लग रहा है? अरे मस्त मस्त लग रहा है। वी आर एट तामिनी, येट अनदर फेमस वाटरफॉल पॉइंट जो जनरली लोग आते हैं यहाँ पे, बट ड्यू टू नो बारिश दिस वाटरफॉल इज लुकिंग समवेयर अराउंड दिस। आप देख सकते हैं पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा कम है, बट येस मानसून में अगर बारिश होता है ये फ्लो आपको कहीं बड़ा देखने को मिलेगा। अभी जो है उसमें काम चलाना पड़ेगा और हम जा रहे हैं ये वाटरफॉल की तरफ। जो यहाँ से फ्लो होता है उस पानी की वजह से इन पूरे पत्थरों पे अजीब अजीब मतलब कट्स आए हुए हैं। अभी तो बारिश है, मानसून चल रहा है, तो पूरे जो पत्थर है वो हरियाली से भर गए हैं। अगर आप देख सकते हो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक हरियाली हरियाली दिख रही है। तो चलो अभी हमें निकलना पड़ेगा, बहुत हो गया और पत्थर ही गिरने का भी तो डर है भाई। ये था अपना कुछ यहाँ का एक्सपीरियंस। पानी बहुत कम है लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा है। आई एम श्योर कि अगर आप मानसून में आते हो, बारिश चल रही है, तो आप ज़्यादा इंजॉय कर पाओगे। दैट्स इट, अभी चलते हैं आगे। सो नाउ वी हैव स्टॉप बाय अ वेरी ब्यूटीफुल वैली, तो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे पूरा लाइक अगर कोई घुसता है तो शायद बच के वापस नहीं आ पाएगा। और मेरे पीछे पूरे पहाड़ है, अगर हम चारों तरफ देखें तो इट हैज़ दैट नेचर लुक। बारिश में मज़ा बहुत आता है। यस लेट्स सी व्हाट दिस वैली गॉट फॉर अस। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये बहुत ज़्यादा गहरी खाई है और यहाँ से जो व्यू आ रहा है इट्स ब्यूटिफुल। टेल मी योर थाट्स अबाउट इट। यहाँ पे गरुड़ माची का एंट्री डोर है, तो ये गरुड़ माची जो पहाड़ है उसके लिए लोग यहाँ से जाते हैं ट्रैकिंग के लिए। जैसे सुना है उसके हिसाब से गरुड़ माची इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट ट्रैक जो ट्रैकर्स को ज़्यादा ट्रैकर्स और से एडवेंचरर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। वहाँ पे कोई तो खड़ा है वो पता चल रहा है, लेकिन विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। इतना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से हो बे? अब ऐसा लग रहा है आगे जा रहे हैं उसके आगे क्या है पता नहीं है बिल्कुल भी। चलो देखते हैं इस फॉग के उस पार क्या है। यहाँ पे कुछ लोग झरने में नहाते हुए, इट्स स्मॉल बिकॉज बारिश बंद है। हम वैली के एक और देखें तो एक बड़ा सा पर्वत है, और अगर दूसरी ओर देखें तो इट हैज़ अ डेप्थ। अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ से आगे की चीज़ें पूरी क्लियरली दिख रही है और यू कैन सी थ्रू द रोड्स ओवर देयर। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत। इट्स ह्यूज, इट्स रियली ह्यूज। बेसिकली जो मैंने आपको दिखाया ये पूरा एक पहाड़ है जिसके ऊपर रास्ते बनाए हुए हैं। सो वी जस्ट केम फ्रॉम अपस्टेयर्स एंड वी आर गोइंग डाउन, सो दैट्स व्हाई यू सी द रोड।
तो चलो अभी निकलते हैं। और चकू अब तक कैसा लग रहा है? कड़क। तो यहाँ से चलते वक्त आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे सर्किट्स है तो टर्न्स आर लाइक क्वाइट नैरो, तो यू हैव टू बी केयरफुल और आराम से चलो, धीरे चलो, जल्दी मत करो। दैट वे यू सेव योरसेल्फ एज वेल एज जो भी आएगा उसको भी। तो आई बिलीव हम काफ़ी नीचे तक आ चुके हैं, अभी हमें पलटना पड़ेगा। ऑडियो से छको यूटर्न लेते हैं, यहाँ से वापस भी जाना है घर। तो चलो ले ले फिर यूटर्न। Now we have stopped by a very beautiful place. It's out of the road. There is some space जहाँ से हम पूरे view देख सकते हैं। With this awesome view, we are about to end this video. तो अब तक यहाँ पे आते आते या फिर whenever you come here, आपके journey के end तक आपको ये तो पता चल जाएगा कि तामिनी घाट is not about the destination, it's about the experience, the journey that you had here or you will have here. हम दोनों की journey काफ़ी अच्छी रही। क्यों क्यों प्राची? Yes. It was a nice journey और अभी हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। विल सिट हियर फॉर सम टाइम, विल सोक अप दिस व्यूज एंड विल गो विथ इट टू द होम। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।